गाइस कहीं भी हो सकता ये देखो गुप्ता जी के ना क्या सारे भाई ये देखो आग देखो दाढ़ी सब जल गया। भाई मेरे कोयले तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं यार, बस लगी रही है, टेंशन मत लो। लेपट क्या हुआ भाई, कोयला सा कुलाड़ी चाकू ला चलो, रुको रुको जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, रुको 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 भाई भाई भागम। देखिए दोस्तों इतना बड़ा लट्ठा लकड़ी का लेके आ रहे हैं फौजी भाई, इस पे वो आ रहा है ना, हाँ स्लीपर स्लीपरिंग है, ये जला हुआ है ना, हाँ इस पर आग हो रही है भाई, इधर बाहर निकल, 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 बाहर भाई मार देगा, रुक जाओ। ये इसका जो मजा है ना, तो फ्रेंड्स देखिए हमें ट्रैकिंग करते करते यहाँ पर एक लेपर्ड की गुफा मिली है, यानी कि उसका घर मांद। ये देखिए राज भाई आगे देखो क्या है इसमें, ना भाई आगे ना जाओ, मैं पता चल रहा अंदर तक देखो, नहीं नहीं खाली अंदर अभी तो है नहीं है लेपर्ड, चलो फिर क्योंकि दिन में तो झाड़ियों में चला जाता है लेकिन रात को यहीं पे आके लेटता है। आगे और चलते हैं और ऊपर एक बेस्ट लोकेशन देखते हैं जहाँ पे कैंप कर सके, बाकी हम लेपर्ड को कैप्चर करने के लिए आए हैं, कोशिश करेंगे हम यहाँ पे एक कैमरा लगाए रात को ताकि लेपर्ड कैप्चर हो सके। फिलहाल एक टेंट लगाने की एक सा प्लेन समतल जगह देख लेते हैं क्योंकि हमें जाना है ऊपर टॉप पे, और यहाँ पे है सामने लेपर्ड की मांद यानी कि गुफा। तो चलिए गाइस ट्रैक करते हैं और ऊपर पहुँचते हैं, देखते हैं बेस्ट लोकेशन। तो फौज भाई क्या कहना चाहोगे? बस कहना ये चाहेंगे जो लोग घर पे बैठ के कमेंट करते हैं ना, घरों के पीछे कैंपिंग करते हैं, नीचे को दिखाओ एक बार और हालत दिखाओ क्या है। ये देखो दो घंटे से ट्रैकिंग कर रहे हैं, इनके हाथ भी इतने बिजी हैं कि पसीना भी नहीं पहुंच सकते। ये देखो हाथ दोनों घिरे हुए हैं, एक हाथ में है पीछे बैग है, इधर लैपटॉप और आधा सामान देखो यहाँ पड़ा है, और आधा सामान हमारे राज भाई ऊपर लेके जा चुके हैं। तो दो बार, एक बार नहीं पे दो बार चक्कर काटने पड़े, एक बार तो लोकेशन देख के गए है ना। चलो वो जल्दी लोकेशन पे पहुंचो, चलो जैन दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं, लोकेशन बहुत ही हाइट पे है और करीबन दो घंटे से ट्रैक कर रहे थे तब जाके फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है बहुत, क्योंकि ट्रैक जो था बहुत कठिन था, पूरी सीधी चढ़ाई थी। बाकी वीडियो जो है बहुत ही एडवेंचर से भरपूर होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं कि बिना एडवेंचर के मुझे कैंपिंग करना पसंद नहीं है, और आपको भी बिना एडवेंचर की कैंपिंग देखना पसंद नहीं है, तो इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। फिलहाल अपना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपना टेंट को पिच करेंगे क्योंकि फिलहाल थक चुके हैं, तो अब चाहिए अपने को आराम, आराम फरमाते हैं थोड़ी देर का। मैं लेपर्ड देख रहा हूँ भाई, और गुप्ता जी इधर लेपर्ड सर्च कर रहे हैं वर्नाकुलर से, अपना आराम से बैठते हैं। और भाई मैं देख रहा हूँ इसे क्योंकि ये है एक चीड़ का फूल, हाँ चीड़ का फूल है, इसके अंदर होते हैं बड़े प्यारे फल और उन्हें खाया जाता है। बस गाइस फिलहाल रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद अपने टेंट को पिच करेंगे। फाइनली दोस्तों अपना टेंट तो पिच हो चुका है, और काफी देर आराम करने के बाद अब अपना टेंट पिच हो चुका है। अब हम करते हैं लकड़ी की तैयारी यानी कि बोन फायर की, उसके लिए हमें लकड़ी लानी पड़ेगी जंगल से कलेक्ट करके, और हम आ चुके हैं उत्तराखंड के डीप फॉरेस्ट और माउंटेन के डीप एंड डेंस माउंटेन के टॉप पे। तो देखिए हवा बहुत भयंकर चल रही है, बड़ी मुश्किल से टेंट लगाया, बार बार उड़े जा रहा था, लेकिन ऐसा होता है कि पहाड़ों में दिन में हवा चलती है, रात होने तक हवा रुक जाती है। तो चलिए गुप्ता जी पहले लकड़ी को लेके आते हैं, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। और हाँ बता दूँ
आज बारबेक्यू होने वाला है, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं कि बारबेक्यू क्या बनने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी सस्पेंस है। चलो भाई साइड। अरे क्या राज भाई, भाई ये देखो क्या मिला है। अच्छा, चीड़ के फूल, चीड़ के फूल के फल है ये। और भाई बड़ा मजा आता है इन्हें खाने में। हम पहले ना बचपन में जंगलों में जाते थे, बहुत तोड़ते थे, बहुत खाते थे। अच्छा। और भाई इन्हें ना जंगली जानवर भी बहुत पसंद करते खाना। भालू बहुत, भालू हुआ, बंदर हुआ भाई। ये जो चीड़ का फूल है, इसके जो बीज है ना, ये ड्राई फ्रूट्स की तरह होता है। जैसे आपने बादाम खा लिया हो, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे हमें एक पेड़ टूटा हुआ मिला है, देखिए ये पेड़ पड़ा है, इस पे से ये चीड़ के फूल है। इस पेड़ से हम लकड़ी काट के ले जाएंगे। और राज भाई मुझे भी तो थोड़ा सा खाने के लिए। ये देखिए, अब इसको छिलके समेत खा जाऊं? खा लो इसको। हम ऐसे मुंह से तोड़ेंगे और इसका अंदर का निकालेंगे ये बीज। और भाई मजा आ रहा खाने में। वाह, इस पे कवर चढ़ा हुआ है बादाम की तरह। ये देखिए सेम बादाम वाला टेस्ट है। बाकी अब यहाँ से देखिए राज भाई और भी चुग रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। खाने दो, खाने में लगाओ भाई, लकड़ियां चुगूंगा बाद में, मजा आ गया। तो राज भाई बहुत सारे इकट्ठे कर लो। हाँ, और तो फिर यहाँ से लकड़ी लेते हैं। हाँ। और चलते हैं, इन फूलों को भी लेके चलते हैं साथ में ही। पहाड़ों पे लोग इन चीजों को छोड़ते नहीं है, अगर कहीं भी मिल जाते हैं ना। ड्राई फ्रूट है भाई ये तो, ये कि बहुत आसानी से मिल रहे हैं, नहीं तो इनको तोड़ना पड़ता है तब इस बीज को निकालते हैं। लेकिन हमें जो मिले हैं ऐसे मिले हैं, ऐसे हिलाते ही निकल रहे हैं। पता कैसे तोड़ना पड़ता है? ये पूरे बंद रहता है। हाँ। ये पूरे ऐसे बंद रहता है। अच्छा, इन्हें पहले आग में पकाया जाता है। अच्छा, उसके बाद? हाँ, फिर हाथों से खोलना पड़ता है, हाथ काले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। हमें तो बिना कुछ करे मिल गए। हमें भाई बहुत मतलब, ये देखो ना यार। ये देखो, ये भी लग गया, इसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना वो हाथों पे लग गया। सीधे खाई में जाओगे? खाई में देखिए दोस्तों कितनी गहरी खाई है, और देखो दोनों कहाँ चढ़े हुए। ये देखिए कहाँ चढ़े हुए दोनों, पहुंच गए। ले आओ लकड़ी, ले आओ। लाते हैं हम लकड़ी ढूंढ के। गाइस लकड़ी लेके आ चुके हैं, और देखिए पेड़ पर दोस्तों कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई लोग हमारे। पेड़ को हिलाना मत। डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाओगे। नहीं नहीं, इस पे क्या है ना, पेड़ पे देखिए दोस्तों इतना बड़ा लट्ठा लकड़ी का लेके आ रहे हैं फौजी भाई। इस पे वो हो रहा है ना? हां, स्लीपर स्लीपरिंग है। ये ऐसे जला हुआ है ना? हां, इस पर आग हो रही है। आराम से प्यार से चलना। यस यस, शाबाश शाबाश फौजी भाई। तो गाइस मैं लकड़ी लेके आ चुका हूँ, बाकी अभी राज भाई उधर लकड़ी लेके आ रहे हैं। और देखिए इस पेड़ से हम गए थे, नीचे गिरने का कितना खतरा था, लेकिन कोई नहीं, फाइनली लकड़ी आ चुकी है। अब सीधा इस लकड़ी को उठाते हैं और सीधा चलते हैं कैंप के पास। जीप पे छोड़ना, 1 2 3। तो फ्रेंड्स लकड़ी लेके हम आ चुके हैं, अब बस अपना किचन का सेटअप जमाते हैं, क्योंकि सनसेट हो चुका है। अब अपनी कुकिंग करनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है, हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बारबेक्यू टेंट के अंदर नहीं कर सकते। बिल्कुल चूल्हा बनाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है, कीड़े क्या? कीड़े 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 क्या, वो दीमक लग गई इसमें। हाँ, पत्थर लगाने का फायदा ही रहेगा ना, आग नहीं फैलेगी। बस बस बहुत होता है। तो फ्रेंड्स अंधेरा हो चुका है और अपना किचन का सेटअप जमा लिया है। अब अपना डिनर बनाना हम शुरू करने वाले हैं। इधर राज भाई जलाने वाले हैं वॉन फायर, और गुप्ता जी जलाने वाले हैं कोयला, और मैं करने वाला हूँ मलाई सोया चाप की तैयारी, यानी कि वेजिटेबल काटना। और उससे पहले कर लेता हूँ मलाई सोया चाप, यानी कि सोया चाप को फ्राई। राज भाई लाइटर है? जी जी बिल्कुल, जलाओ। ये लीजिए, जलाओ जलाओ। मैं तब तक, अरे डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होने का यार, तुम तो डर बहुत रहे हो। अरे यार तुम तो क्या कहते हैं, आग जलिए ना। वाह जी वाह गुप्ता जी वाह। तो पहले एक काम करो, आप जलाओ, आग जला लो पहले। फोन पर जो नीरो हो चुका है ना, फोन पर पहले जो हुई थी है जंगली जानवर का। नहीं धीरे से, बस बस, ये तो बहुत जल्दी कर दिया। वाह जी वाह राज भाई, तुमने तो मौज कर दी भाई, मौज कर दी भाई। और ये तो अपनी तरफ अपना फ्राई हो गया, मैं डाल लेता हूं इसमें ऑयल। और मैं करता हूँ यहाँ पे कोयले को जला लेता हूँ अच्छे से बढ़िया करके। और मैं गए थोड़ा सामने आ जाता हूँ, क्योंकि पता चल रहा है ना यहाँ जंगली जानवर, थोड़ा खतरनाक है जंगली जानवर भी। गप का निकल राज भाई, ये आग जाती है जोरी, जंगल में ना लग जाए। थोड़ा ये लो, इसे कंट्रोल करो इसको ना।
बाकी अपना ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर डाल लेते हैं हम चाप। ये देखो हाथ में लग गया कांटे वाटे भाई। नहीं जी ये बिल्कुल देख रहा हूँ। ओहो हाँ 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 कट नहीं रहा है, मुझे पता है इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। ये बुझा देना पैर से जरा, ये वाली यार। हाँ हाँ ये वाली फैल जाएगी नहीं तो ये। उसके लिए ना मैं अभी देखो क्या लेके आता हूँ। जंगलों में जब वन विभाग वाले ना आग लगती है तो ज्यादातर इसका यूज करते हैं, बड़ी झाड़ियाँ। ये तो मैंने हल्के काम चलाने के लिए ले लिया। ओहो क्या गोल्डन कलर आ गया देखो। ओ भाई राज भाई मैंने एक बार सोया चाप बना के खिलाई थी ना आपको एक ब्लॉग में, था उसमें भी और वो भी बढ़िया बनी थी। आज फौजी भाई की देखना और उससे बढ़िया बनेगी। ओहो जी भाई तो भाई उस्ताद है। सोया चाप तो अपनी सारी फ्राई हो चुकी है। खा लो भाई खा लो। आहा क्या क्रिस्पी बनी है दोस्तों देखो। आहा आप खाओगे? नहीं आप खा लो, हम खाएंगे भाई पूरे मजे से आराम से। मतलब इसका तब तक हम इंतजार करेंगे और जो तड़प होती है ना। हाँ लेकिन जो बनते बनते खाने का मजा है ना वो अलग ही है। वो अलग ही वो आता अलग है। लेकिन जो लास्ट तक जैसे आप होती है ना, जैसे आपने खरीद के आम खा लो लेकिन जो पेड़ से तोड़ के खाओगे ना उसका स्वाद ही अलग आता है, उसका मजा अलग है। लेकिन उसके लिए मेहनत की फिर निकाला। और इसमें मेरे साथ भी वही है, जो तड़प रहेगी ना मुझे कि यार खाना है खाना है, लास्ट में जो मजा आएगा। इसका टेस्ट जो है स्नैक्स की तरह आएगा, उसका टेस्ट जो आएगा अल्टीमेट आएगा। यस बाकी मैंने सारी ये छोटी छोटी करके भी फ्राई कर ली थी और ये कर ली लंबी। अब हम नए तरीके से इसको कोयले पर जला दो गुप्ते जी। ये ली और जो ये है चीड़ के लकड़ियाँ भाई, इन पे पता क्या होता है, इन पे होता है मतलब थोड़ा गोंद टाइप का। हाँ इसमें गोंद होता है ना भाई, बहुत जल्दी आग पकड़ती भाई, आग पकड़ लेती है। इसीलिए तो मतलब बिल्कुल सामने नहीं बैठ पा रहा हूँ मैं, दूर होना पड़ रहा है। एक काम करो वो बड़ी लकड़ी भी लगा दो उसमें। नहीं 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 भाई अभी नहीं, नहीं धीरे धीरे जलती है, धीरे धीरे देख लो ना वो लकड़ियाँ कैसे जल अभी अभी हाँ एकदम सारी जल जाएगी, नहीं तो जल्दी जल जाएगी। फिर क्या करेंगे रात को, पूरी रात में तो काटनी है भाई, पूरी सुबह तक हमें ये आग चाहिए। चलिए तो अपनी सोया चाप तो इधर चलो कट चुकी है। कोई नहीं ये मेरे नाम की हो गई, ये आपके नाम की नहीं है। प्याज और जिसके नाम की थी उसको दे दो, टमाटर और शिमला मिर्च मेरे पास है। और इनके निकालेंगे हम क्यों, ये देखिए दोस्तों ऐसे करके क्यूब निकलते हैं, तभी तो हम सीखो में लगाएंगे। आज फौजी भाई से मैं भी सीखूंगा भाई। देखो राज भाई, देखो हाँ। राज भाई भले ही सेफ है लेकिन हम भी कम नहीं है। हाँ। बहुत टाइम हो गया मुझे, मतलब ये लगा लो अब 2020 देखो एक चीज है। हाँ अभी तक जब तक उजाला था मतलब ये जंगल भी खिला खिला लग रहा है भाई, ऐसे ही होता है जंगल भाई, ऐसे खूबसूरत लगता है दिन में और रात में तो डेंजर हो जाता है, डेंजर ऐसा लग रहा है ना जंगल में सो गया। हाँ क्या हवा चल रही थी, क्या सुम शाम बिल्कुल। हाँ। अब पीछे लाइट मार के रखना भाई, हर चीज बिल्कुल साफ, टेंशन ना लो। लापर भाई से मत बैठना बिल्कुल। हाँ लेपर्ड पेड़ पे बैठ जाता है राज भाई, ध्यान रखना। आपको तो पता ही होगा ये बात, ये तो मुझे पता है भाई, वो पेड़ पे भी मारते रहना क्योंकि पेड़ भी बड़े यहाँ पे बहुत सारे हैं, चीड़ के पेड़ हैं सारे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। और पेड़ों का भी ध्यान है, पेड़ों की चटक आए ना या तो पेड़ पे कोई है या पेड़ गिर रहा है, दोनों में से एक काम होगा। अगर उस पे पेड़ पे कोई होगा तो भी आवाज करेगा वो, और पेड़ गिरेगा तो भी, तो ध्यान रखना पेड़ कोई गिर रहा हमारे ऊपर ही गिर जाए। हम खा रहे सोया चाप हो गया हमारा काम, यहाँ पता चला उन्हें भी सोया चाप मिल गया तो कह रहे भाई ये तो और बढ़िया। नहीं सोया चाप पेड़ों को क्या मिलेगा, पेड़ों को नहीं, ऊपर बैठा होगा। सुनो और हमारे को यहाँ निकालने भी नहीं आएगा बचा खुचा माल, पता लगा तुम्हारा एक हाथ बचा मेरा एक पैर बचा। फौजी बचा भी होगा ना, इतने बड़े घने जंगल में कौन ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा। वैसे तो देखो हम तीन जने, अगर एक लेपर्ड हुआ दो लेपर्ड हो हम सामना कर सकते हैं क्यों फौजी भाई? यस इतना तो हम भी डर बोल कितनी कैंपिंग कर ली हम लोगों ने। एक चीज बता दूं मैं, पूरा उत्तराखंड राज भाई, पूरा उत्तराखंड हमने कैंपिंग कर ली है। यहाँ से तुम भाग नहीं सकते, अगर यहाँ आ गया ना
तो तुम्हें डट के मुकाबला ही करना पड़ेगा। उसके ये अपने, ये अपने टेंट में बैठ के वेट करो सुबह होने का, यहाँ से भागने का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे ऐसा सीन था ना कि अगर साला आ भी गया एक बार, हमने यूं यूं किया, उसके बाद अगर ज्यादा ही हमें दिक्कत लग रही है हमने गाड़ी भगा दी। तुम तो गाड़ी में थे, लेकिन एक एक्सपीरियंस हमने किया था लैंसडाउन में, मैंने और फौजी भाई ने। उसमें क्या हुआ था, हमने रात को जंगल में लेपर्ड को कैप्चर करना था, हाथ लगा दी हमने गाड़ी में बैठ गए अपना सब कुछ कैमरा वैमरा लेके। अब गलती हमें पता था ये आएगा, वो बार बार आवाज करता हुआ आ रहा था, गुर्राता हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जब वो हमारे गाड़ी के बिल्कुल जस्ट सामने आ गया ना, तो हमें कैमरा ऑन करना था। मैंने बोला गुप्ता जी कैमरा ऑन करो। अब गुप्ता जी के फोन की फ्लैश लाइट ऑन थी। अच्छा। तो जैसी वो फ्लैश लाइट जली तो वो गाड़ी का जो शीशा था गया, वो पूरा ऐसे हो गया, तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसे लाइट लग गई। उसने देखा यहाँ कोई है, हम अंधेरे में खड़े थे बिल्कुल। और वो तो ये था कि मेरा फोन कैमरा चालू था जो वो हल्का सा कैप्चर हो गया, जिसमें वो फीमेल कैप्चर हुई थी। भाई फीमेल तो इतनी ज्यादा फोर थी, पहले हमें दिखाई दी ऐसे सो रहे थे हम। पूरा सीन बताओ, पूरा सीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। उसका सीन ऐसा था, हम वेट कर रहे थे, वेट करते करते हमें नींद, हम करीब 7 बजे से वेट कर रहे थे जंगल में और 11 बज चुके थे। हम सो गए, हमें हमारी आँख लग गई अब 11 बजे के आसपास। गुप्ता अच्छा नहीं, सुनो सुनो, हुआ क्या, हम 3 जने थे तो ये दोनों तो सो गए, फौजी भाई और वो तीसरा बंदा। और मैं क्या ना आगे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये तो सो गए, और मेरे को ना कभी इधर से परछाई दिखे, कभी उधर से गुप्ता जी को दूसरा, और बरगद का पेड़ हमारे ऊपर, बरगद का पेड़। भाई जो दिल में दुख दुख हो रही थी ना कसम से, गुप्ता जी ने आंखें बंद कर ली। मैंने क्या करा, नींद की आंखें बंद कर ली, जैसे सो गए। मैंने सोचा भाई अगर मुझे कुछ दिख गया ना उलझल उल आत्मा महात्मा, तो भाई मेरे तो यहाँ बैंड बज जाएगा। मैंने क्या करा, ऐसे सीट पीछे करके आंखें बंद करी और मेरी भी आंख लग गई। जब आंख खुली तो गुप्ता जी क्या कहते, गुप्ता जी ने कहा उठो भाई उठो। मैं उठा, मगर ठीक है। मैंने जैसे देखा ना इधर भाई भयंकर, तो देखा तो शीशे के बाहर ही खड़ा है। अच्छा। और बहुत भयंकर, अब वो इतनी आवाज सुनती नहीं, जैसे मैंने कहा गुप्ता जी लेपर्ड लेपर्ड, अब इतनी आवाज सुनते ही वो तुरंत खाई में उतर गया। हमें पता था वो रोड के नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद हम गाड़ी लेकर तुरंत नीचे आए। हां इतना लेपर्ड नहीं देखा भाई, जितना लेपर्ड। एक चीज मैं बताऊं, अगर हम जैसे अभी यहां पे खुले में बैठे ना, कई बार क्या होता है अगर हम ग्रुप में है तो ठीक है, आवाज अगर मतलब हम बात करते रहेंगे ना तो हमारे पास नहीं आएगा, मुझे लगेगा बहुत बंदे हैं ना। अच्छा एक और चीज बताता हूं, मैं हमारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं फौजी भाई की रात में ही टेंट पे हमला क्यों करता है, दिन में कौन करेगा। नहीं नहीं नहीं, उसका रीजन है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम कर रहे हैं कुकिंग बोल और यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, आग जल रही है। रात को क्या होता है, हम चुपचाप सो जाते हैं, शांत होते हैं, तो लेपर्ड को लगता है ये कोई घर है या कुछ है या ये जानवर है, तो इस पे अटैक करता है। ठीक है, उस वक्त ना हमारी आग होती है ना हमारी हमारा साउंड होता है। यस, यस। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो रात में क्यों करता है, उसका रीजन यही है कि वो रात में जब हम शांत होकर टेंट में चले जाते हैं तब वो आता है। अगर हम अभी यहाँ चुप बैठ जाए ना, अभी आ जाएगा, अब भी आ जाएगा, लेकिन हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। तो गुप्ता जल गया तुम्हारा कोयला? हाँ भाई मेरे बिल्कुल। लो तो वेजिटेबल कट चुकी है, अपनी चाप भी ये गई इसमें, और अब मैं कर लेता हूँ इसको मैरिनेट। हवा चल रही है बहुत भयंकर, और अभी हमारे साथ एक कांड हो गया था भाई, गुप्ता जी का हाथ जलने से बच गया। नहीं जल गया, सारे बाल वाल सब जल गए। बस क्या कहते हैं, ये है कि स्किन नहीं जली, बालों तक की बात बन गई, क्योंकि ऐसा है कि ये फ्लेम गन थी ना, कार की फ्लेम गन। दोस्तों अक्सर हम बारबेक्यू इससे करते हैं और कोयले को जलाते हैं, ये तो बहुत रिस्की है। इस बार पता नहीं क्या हुआ इसमें, क्या से लीकेज हो गई, क्या हुआ, ये इसने ना पूरा सिलेंडर में आग पकड़ ली और हाथ जला दिया, नीचे आग लग गई सारे में, सारे में आग लग गई। सिलेंडर को फेंक के मारा वो तो कैमरा चालू नहीं था, नहीं तो सब रिकॉर्ड हो जाता। और हाँ एक बात और बता दे, अगर कोई हमें देख के कैंपिंग कर रहा होगा ना हमारे तरह, मतलब ये गैजेट वगैरह, यो भाई यो मत, यो इससे बहुत रिस्की है भाई। वो छोड़ो गुप्ता जी, भाई कैमरा में दिखा दो क्या हो गया, ये देखो दिखाओ, पास में देखो भाई, सब क्या हुआ भाई, हम मजाक नहीं कर रहे, ये देखो सबके कैमरे में दिखाओ, ये देखो क्या हो गया, बाल बुड़ गए, देखो गुप्ता जी को अभी भी पता नहीं है बाल जल गए पूरे पूरे जल गए, थोड़ा उठाओ, हाँ ये उठाओ, अब दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो पूरे बाल पूरे जल गए ना, ये देखो गुप्ता जी के ना यहाँ से सारे, अरे भाई ये देखो आंख देखो दाढ़ी, ओ यार सब जल गया भाई, अब देख रहे हम तो गाइस, अब देख रहे कसम से, ज्यादा जल गए क्या? नहीं नहीं थोड़े से ऐसे ही बुड़ से गए। अबे गाइस दाड़ी मूंछ आईब्रो सिर के बाल, मुझे पता ही नहीं था यार, के बाल मेरे पूरी आई ना लपट, आग ऐसे ही ऐसे ऐसे पूरा लपटा सा, लेकिन चलो कोई नहीं, ये है कि मेरे जले नहीं बाल, बाल तो ये चीज है कि नॉर्मल बुड़ जाते हैं आग की उसे लपट से भी,
लेकिन ये बंदे का स्किन जलनी नहीं चाहिए। चलो तो बाकी अपना कोई नहीं, ये तो चलता रहता है दोस्तों, कैंपिंग है, इसमें अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या एडवेंचर है यार, यही तो एडवेंचर है। यस, अब इसमें डालते हैं कस्तूरी मेथी। ओहो नया आइटम, कस्तूरी मेथी गई। तुम पीछे देखो, लो ये वाली टॉर्च लो, ये लो, ये लॉन्ग रेंज वाली कस्तूरी मेथी। उसके बाद इसमें जाने वाला है अपना मसाला, ये गया नमक और दही मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं डालूंगा इसके अंदर रेड चिली पाउडर। मिर्ची कैसी खाओगे गुप्ता जी? तीखी, चटपटा ही खाते हैं हम तो। सिक्का में मजाना बस। और अब जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओहो ये लीजिए, लो इसको जलाते रहो, मजा आने वाला है। अरे एक नंबर भाई, लकड़ी थोड़ी सी आगे कर दो, नहीं तो आग पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। और अब जाने वाला है इसमें चिकन मसाला, जो कि इसका टेस्ट लाजवाब कर देगा। ये गया चिकन मसाला, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। इसे स्पाइसी तो यही बनाएगा ना गुप्ता जी? ये गया चिकन मसाला, बहुत ही स्पाइसी होने वाली है आज। भाजी भाई, अगर किसी को ये रेसिपी सीखनी हो तो उसको इंस्टाग्राम पे डीएम कर दोगे? यस यस, आप इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम करो और ये रेसिपी बताएंगे आपको। यस, बाकी सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें कॉर्न साज, यानी कि कॉर्न फ्लोर। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी। तो गुप्ता जी अपनी सोया चाप, तो मैं तो बड़ा दुखी हूँ यार, धुआं मैरिनेट हो चुकी है, हमेशा धुआं ही मारता है मुझे तो मेरे भाई। और राज भाई, इसका आग का जला लो भाई, आग थोड़ा तेज कर लो मेरे भाई। अब लगाते हैं मलाई चाप अपना सीखो में। लगाओ फौजी भाई, भूख लग रही है अब तो बहुत जोर से यार। हाँ, थोड़ा सा धुआं कम हुआ, उधर जा रहा है थोड़ा भाई। मेरे कोयले तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं यार, बस लगी रही है टेंशन मत लो। सोया चाप, ओह लेफ्ट उठ के आऊं भाई, आपको तेज कर लो, आपको पास में था नहीं, दूर है साउंड, तो साउंड दूर है तो कोई नहीं, अभी दूर है तो फिर आराम से सुनो। साउंड दूर है भाई, आपको तेज करो भाई। राज भाई ध्यान रखो, मैं भाई सोया चाप बनाता हूँ भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा मेरा भाई। नहीं वो कुछ नहीं, नहीं वो तो घास है, अच्छा लकड़ी है यार, वो लकड़ी ना काली काली पड़ी है। ध्यान रखो, मैं जल्दी बनाता हूँ, कोयला तैयार है, नहीं तो यार लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी खाओ और टेंट में चलो भाई, इस जंगल में लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ राज भाई, चलो चलो। ध्यान रखो, लापरवाही से मत बैठना भाई, कितना तेज था, लापरवाही से मत बैठना, कभी तुम सोचो कि ऐसे ही बैठे रहोगे भाई, यहां लापरवाही से ध्यान रखो। हां लेकिन एक चीज है, इस पहाड़ी पे नहीं है। हां है दूर थोड़ा, साइड वाली पहाड़ी पे ये हो सकता है, मुझे लगा कि पास में होगा। तो आवाज तो आई यार, टाइम तो अभी 9 बजे दिख रहा है, 9 नहीं 9:30 है, बताओ 9:30 बजे ही। लेकिन ये तो साउंड हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए, क्योंकि इतनी दूर से ले पर हमारे लिए नहीं गुर्रा रहा वो, मतलब ऐसा है कि दूर से सिर्फ गुर्रा रहा है वहाँ, हमारे लिए नहीं है, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि बहुत दूर से आवाज़ है। लो गुप्ता जी, हाँ जी, एक सीख हो चुकी है लो रखी, ये देखिए गाइस मलाई सोया चाप कितना ऐसा हो रहा है जैसे चिकन होता है। ये रखते हैं जी इस पे, इसे सीखों में लगाने का क्या तरीका है? सबसे पहले लास्ट में क्या लगता है यहाँ स्टार्टिंग में, मतलब ये तुम्हारा प्याज इसलिए लगता है कि जले ना भाई, बटर का है बटर, अच्छा मतलब हमारा हाथ वो ना जले, हाँ तो बटर ये ना, वो ये स्टॉपर होता है, अच्छा इसे बोलते हैं स्टॉपर, स्टॉपर यहाँ लास्ट में प्याज इसलिए लगती है ताकि ये हम इसे अच्छे से कवर कर सके और ऐसे भीज सके ताकि ये घूमे, ऐसे घुमाते समय प्लेट साफ है भाई, इधर उधर ना जाए। हाँ बिल्कुल सही है प्लेट, बाकी अब चौकन्ना बैठना पड़ेगा, उसने अपनी हाजिरी दे दी है, लापरवाही का खेल नहीं रहा है, अब लापरवाही नहीं है राज भाई। और हमारा ग्रुप का कैंपिंग करने का रीजन भी यही है, नहीं तो भाई सोलो कैंपिंग करना इस टाइम पॉसिबल नहीं है, ड्यूल भी नहीं है भाई ना,
क्योंकि इस वक्त आदमखोर हो रखा है वो। आजकल मैं बता दूं क्या करते हैं कि पहाड़ों में लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, ठीक है, और वो दूसरी तरफ को भागते हैं सारे जानवर। हाँ, एक साइड भागते हैं, फिर कई बार मतलब बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो जो ये शिकारी जानवर होते हैं ना, जिन्हें मांसाहारी कहते हैं, तो भाई इन्हें नहीं मिलते हैं जानवर, क्योंकि बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, मर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं, तो ये फिर आते हैं भाई नजदीक कुत्तों को ढूंढने के लिए, इंसानों की बस्ती के पास, बस्तियों के पास। अरे भाई आज तो हम जंगल में खुद बैठे हैं, तो उनको तो पका पकाया खाना मिल गया। पका पकाया नहीं, अब पकाएंगे वो आग में हमको। देखो इंसान से हर चीज डरती है, हाँ, डरती बस इंसान को अपना आपन ही खोना चाहिए और उसे सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सही बात, आप शेर से भी लड़ सकते हैं, ये तो लेपर्ड है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं। बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, इधर अपना मलाई सोया चाप रेडी होने वाला है, मक्खन लग रहा है बस इस पे, और देखिए कितना मस्त लग रहा है बारबेक्यू। काफी हैवी ड्यूटी होने वाला है अपना डिनर, हाँ। है ना, ये तो बहुत है। अब देखो मक्खन लगाएंगे इस पे। ये देखिए, और ये जो मक्खन की खुशबू होती है ना, ये जो धुआं उठा है, ये तो अल्टीमेट खुशबू होती है भाई, इसी का ही टेस्ट है। बाकी आप लोग घरों में बनाते हैं, कोई गैस पे बना लिया, कोई उस पे बना लिया, क्या कहते हैं, फ्लेम गन से, उसमें टेस्ट नहीं आता जो कोयले पे सिके हुए खाता है। कोयले का तो मजा ही कुछ और है। वाह गुप्ता जी वाह, बस कितनी प्यारी। ये देखिए, बस ऐसे चलाते रहिए। बाकी गाइस आपको एक बार मैं लोकेशन दिखा देता हूँ अपनी कैंप एरिया की। ये देखिए इधर अपना कैंप है, और पीछे की लोकेशन ये है। अभी यहाँ से लेपर्ड साउंड आया था, लेकिन वो सामने वाली पहाड़ी पे था, इधर नहीं था, तो इसलिए हम सेफ है। और हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे क्लोज में, लेकिन क्लोज में नहीं है, वहाँ पीछे की साइड था दूसरी तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार आपको दिखा देता हूँ अपना सेटअप सारा। ये देखिए इधर अपना टेंट है, अपनी बॉनफायर है। राज भाई बॉनफायर पे भी ध्यान देना, और इधर गुप्ता जी कर रहे हैं बारबेक्यू, और राज भाई लाइट लेके खड़े हैं, और अपनी एक लाइट इधर लगा रखी है, और अपना कैमरे का सेटअप। और ये देखिए व्यू, देखिए गाइस आप लोग व्यू। आ जाओ भाई रेडी है। ये देखिए, तो बस अपना स्वच्छ आप रेडी होने वाली है, इसको मैं रेडी करता हूँ, क्योंकि उधर ये बारबेक्यू हो चुकी है, फिर अपना डिनर करेंगे। फौजी भाई। हाँ भाई, चाय तैयार हो गई। हाँ भाई, दो भाई गुप्ता जी। वाह जी वाह, क्या कलर आ रहा है। बस हमारा एक यही तरीका है कि हम रोस्ट बहुत अच्छे से करते हैं ना इसको। भाई देखो, हम कच्चा खाने कच्चा नहीं खाते, टाइम लगाते हैं, चाहे जंगल में बैठो चाहे कहीं बैठो, लेकिन खाते अच्छा है भाई। अब जल्दी जल्दी दो, अपना डिनर करते हैं, क्योंकि टाइम की बात करें तो 10 से ऊपर हो चुका है टाइम। और रात को ये कोयला वाला बुझा देना है सब। हाँ सब आग भी बुझानी है, तो भाई पता चल रहा ना हम सो गए ना, हमारा टेंट भी जला और हम तो जले जले, क्योंकि घास हो जाता है ना, यहाँ घास ऐसी है कि एकदम बिल्कुल। वाह जी वाह, क्या मस्त अपना पने, सॉरी मलाई सोया चाप है। फौजी भाई आपके मुंह पे ना पनीर टिक्का चढ़ गया। फेवरेट है ना, फेवरेट तो ये भी है, लेकिन बारबेक्यू में ज्यादातर हम वही करते हैं ना, जो हमें मिल जाता है। देखो कई कई जगह चाप मिल जाती है, कई जगह पनीर मिलता है, तो और काफी इनफ है, ऐसा नहीं है कम है या कुछ है, क्वांटिटी अच्छी है। देखो मक्खन गरम करवाता हूँ मैं आपसे अभी ना, आप मक्खन गरम करो। लो गुप्ता जी। हाँ जी, इसे प्लेट में करके ना, ये मक्खन गरम करके तो इसमें डालूंगा। कितना मैं डालता हूँ इसमें? हाँ मैं, हाँ मैरिनेट कर लो, मलाई मलाई बना लो इसे। यस, इसके बिना तो इसमें मजा है ही नहीं। नहीं है, ये लीजिए, ये रस रस के डाल दिया है, रस रस के डाल दिया, और क्या ऐसा थोड़ी ना खाएंगे भाई। यहाँ हम ऐसे नहीं खाते कि डिनर बस... जो लोग हमें देखते हैं वो जानते हैं कि हम डिनर कभी हल्का नहीं करते, नहीं करते। तो गाइस नींबू डल चुका है, अब इसके अंदर डालते हैं चाट मसाला। चाट मसाला, आप तेजेंद्र जी आप कमेंट करते हैं कि चाट मसाला डालना भूल गए, तो ये देखिए चाट मसाला काफी मात्रा में डलेगा, क्योंकि हमारा फेवरेट है। आपने कल भी कमेंट किया था चाट मसाला हमारे हर वीडियो में बढ़ती आप है। आप कमेंट करते हो। ये लो, भरपूर डलेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत डलेगा। ए ये देखिए, ये इसका जो मजा है ना, अल्टीमेट। ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। नमक, हमें भी दीजिए, हम भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, भूख लग रही है। ये बताइए पहले एक कर, अरे चिपक रहा है। ओह आज तो बड़ा क्रिस्पी हो गया, चिपक गया वो। बहुत कैसा लगा भाई? हर चीज का ना ऐसा लगा है परफेक्ट,
तोल के डाला होगा जैसे। अरे 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 नपा दूला टेस्ट बढ़िया क्रिस्पी। आहा बस तो लो फिर और लो तो इसी बात पे। हां भाई मन तो कर रहा पूरा डालो। डट के खाओ डट के। काम पहाड़ों में है भाई, थोड़ा सा बचा के रखना, मैं भी खाऊंगा। बस बस बहुत है, वो रखा पूरा भरा रखा है। और खाऊंगा मैं तो, भूख लग रही है। अरे दवा को मैंने बनाया है अंकल। राज भाई लेते रहना, बहुत अच्छा है। हल्का देना बस, ओहो ज्यादा हो गया। नहीं लगा लगा के खाओ ना, और ले लो ना, ये ना बहुत है अपने पास। ओ पूंछ मुंह भर गया मेरा, मजा आ गया। राज भाई कैसी बनी? मजा आ गया भाई, काफी है, भरपूर मात्रा में क्रिस्पी, बहुत ज्यादा हो रही है। मैं तो दो तीन गरम भाई, हां तो मुंह जल गया। वजह बहुत अच्छी बनाई आपने, और थैंक यू। नहीं थैंक यू तो हम कहेंगे आपको। हाँ इतना प्यारा सोया चाप खिलाने के लिए। तो बाकी गाइस सोया चाप तो अपनी अल्टीमेट, बाकी बारबेक्यू करने में तो हम एक्सपर्ट हैं। तब अपना डिनर करते हैं कंप्लीट, क्योंकि हवा बहुत तेज चलने लगी है। हमें शायद आग को ही बुझाना पड़ेगा, और आग को बुझा के हम फिर अपना टेंट के अंदर जाएंगे। नहीं तो रात को हमारा टेंट ही जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे में घास घास है, और ये बारबेक्यू के कोयले भी हम इसके अंदर ही डालेंगे। और बस ऐसे डिनर के लिए ही हम लोग कैंपिंग करते हैं। ये जो मजा है ना, और साथ में जो एडवेंचर है, बस इसके लिए हम लोग रिलैक्स होके करते हैं। हमें जब ज़्यादा खतरा होता है तभी हम लोग इतना घबराते हैं, नहीं तो हम नहीं घबराते। लेपर्ड का आवाज़ आया लेकिन दूर से, दूसरी पहाड़ी से, क्योंकि हवा इधर की चल रही है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि डर लगा रहता है कि टेंट पर हमला ना कर दें। तो फिलहाल अपना डिनर को कम्प्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना डिनर कंप्लीट हो चुका है। टाइम की बात करें तो 11 बज चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं अपना गुप्ता जी टेंट के अंदर। चलो बाकी हमने सामान वामान सारा अपना सिंगवा दिया, बैग वैग तो भारी छोड़ दिए हैं, क्योंकि अंदर फिर जगह नहीं रहेगी सोने की। चलो भाई लोगों अंदर चलते हैं और टेंट में अंदर मिलते हैं। राज भाई टेंट बंद करो मेरे भाई जल्दी, ठीक है? आ जाओ और अंदर भाई सोते हैं अब इसके बाद, है ना? तो फ्रेंड्स अपना टेंट बंद कर लिया, अब आ गए हम अपना टेंट के अंदर। बाकी लेटते हैं गुप्ता जी, लेट जाओ मेरे भाई। बस भाई मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम लाइव आऊंगा उसके बाद। चलो आप इंस्टाग्राम आना, बाकी लोकेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है। वेपन अपने पास है, डंडा वंडा सब कुछ रख रखा है। बाकी अब सोते हैं गाइस, क्योंकि बाहर रुक रुक के लपट की आवाज़ आ रही है दूसरी पहाड़ी से। बस हम तो यही शुक्र चाहते हैं भगवान हमारे पास ना आए। चलिए तो बस सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। अरे गुप्ता जी लेपर्ड का साउंड है मेरे भाई। क्या हो गया? अरे क्या हुआ? लेपर्ड का साउंड है, लेपर्ड का साउंड। पीछे की साइड लेपर्ड का साउंड है। ओए नहीं यार, टेंट के पीछे लेपर्ड का साउंड है। हथियार का ओ लाइट हो ओ भाई, ओ लाइट जला लो, लाइट टेंट की लाइट जला लो मेरे भाई, टेंट की लाइट जला लो, लाइट सारी जला लो, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। ओ भाई यो ये पीछे की तरफ है, बिल्कुल पीछे की तरफ। ओ देखो ओ टेंट को हिला रहे हो। ओए ओए टेंट हिला भाई, टेंट हिला भाई। ओ लेपर्ड आ गया भाई। राज पीछे राज पीछे राज पीछे राज पीछे 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 भाई बाहर चलो क्या? नहीं नहीं ओ भाई इधर है भाई, इधर 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 भाई, ओ भाई ये टेंट हमला कर रहा है भाई भाई, इसे बाहर निकल 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 बाहर भाई ये मार देगा हमें, रुक जाओ अबे टेंट मार देगा, मार देगा हमें भाई, मार देगा हमें, रुक जाओ ओ भाई बाहर निकलो यार, राजा भाई बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई, भाई निकलना पड़ेगा तुम्हें भाई, रुक जाओ चुप रहो चुप। ये देखो आवाज आ रही है, लेपर्ड साउंड है, बिल्कुल क्लियर लेपर्ड है भाई। वो चुप रहो भाई चुप रहो, रुक जाओ भाई टेंट फाड़ा नहीं ना अभी, रुक जाओ रुको चलो। अरे रुको भाई रुको, बाहर रुको भाई, बाहर चले बाहर चले यार, बाहर चल बाहर चल, मैं नहीं भाई पीछे रहूंगा लेकिन। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच में बीच में चलो भाई, चलो 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 यार निकलो गुप्ता जी, बाहर को निकलो यार, क्या कर रहा है इधर से, तू पीछे रहा मेरे इधर से, तू पीछे रहा इधर से, तो इधर भी देख लो मेरे भाई, उधर ही पोटी पड़ी है। अरे इधर देखो इधर इधर देखो, अरे उधर नहीं, अरे पोटी नहीं यार, देखियो गुप्ता जी इधर इस पत्थर के पीछे भी हो सकता है, इस पत्थर के पीछे भी हो सकता है गाइस, कहीं भी हो सकता है। क्या हो गया राज भाई? भाई भाई मरवा दिया था तुम। अरे नहीं मेरे भाई, भाई तुम कहाँ चले गए थे, मैं कहाँ था? अरे तुम उधर जा क्यों रहे थे? मत जाओ मत जाओ भाई, मैं भाई ठीक हो, चोट वोट तो नहीं लगी? भाई बच गया, कोई नहीं, शेर तुम मेरे शेर यार, टेंशन ना लो। नहीं नहीं पानी पिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, रुको मैं बाहर रखा पानी लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई। नहीं बाहर मत जाओ, टेंशन मत लो मेरे भाई,
क्या हो गया था यार, सो जा, चल सो राज भाई यार, तुम्हें यार तुम गए क्यों थे अलग? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, बाहर मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ भाई, मेरी धड़कन सुन लो पहले भाई। अरे वो मुझे पता है यार, हम फिर तो आगे जा क्यों रहे थे तुम यार भाई? चलो कोई नहीं, एक काम करो आप भाई, भाई लेटो भाई, तुम सो जाओ, टाइम दिखाना, टाइम क्या हो गया गुप्ता जी भाई? नीचे गड्ढा सा, वहाँ घात लगाए बैठा था राज भाई, बच गए बस, हम इधर की तरफ देख रहे थे, बच गए राज भाई, तुम आज तुम्हारा नसीब था बस, बच गए मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, आज पता नहीं ऊपर वाले की दुआ थी जो मैं बच गया भाई आज। लेट जाओ भाई, चलो एक काम करो आप, लेट जाओ भाई, हम सुनो 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 सुनो, बोलो मत, जितना बोलोगे उतना पैनिक होंगे आप, लेट जाओ मेरे भाई, कूल डाउन हो, ठीक है, बच गए तुम राज भाई आज, आप लेट जाओ, हम जगह में आपके, आप इधर बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, आप बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ भाई, भाई क्यों डर रहे हो यार, मैं ना टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं यार, हमने बचाया ना, उठा के लाए ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मरते मरते बच गया हूं मैं भाई। नहीं यार कोई बात नहीं, अभी देखो आधा पौन घंटा रह गया, हाँ दिन निकल जाएगा भाई, एक घंटे में लगभग दिन निकल जाएगा। चलो तुम सो जाओ जगह में, लेट जाओ, हम जाग रहे हैं, हथियार अपने पास रखना, हाँ हाँ हथियार हमारे पास है, तुम लेटो यार, ठीक है दोनों, और ये इधर की साइड देख रहे थे तो भाई घात लगाए बैठा था, नहीं मानते यार, ये आदत है इनकी, ये बोगला से जाते हैं, बाहर निकलते है ना बोगला से, अलग भाई कहाँ है कहाँ है, बस डर लग रहा था, लेकिन फिर भी ये अलग लाइट मार के देख रहे थे बस। फौजी भाई अभी वो यहीं बैठा हुआ है, घात लगाए हुए, ऐसे नहीं, देखो एक काम करता, सोने के नहीं है, सुनो मेरी बात, सो नहीं रहे, कैमरा बंद करो, साइलेंस हो जाओ, ये अटैक कर देगा, मैं बता रहा हूं, बीच में बैठना अगर आएगा तो शोर मचाएंगे बहुत भयंकर वाला, सो जाओ राज भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना टेंशन के, ठीक है ना जब दिन निकलने वाला मेरे भाई, एक घंटे में ना दिन निकलने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई इसको करो यार, उठ जाओ भैया राज भाई, मैं तो उठाया हूँ, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सनराइज अभी हुआ नहीं है, लेकिन रात जो हालत ख़राब हुई है ना, लेपर्ड इतना आदम खोर था कि हमारे राज भाई के तो याद कर, हम तो सो ही नहीं पाए, दोनों लोग जाग रहे थे, चल रहे भाई, चलो यार भाई, चलो यार, नहीं यार भाई, चलो यार जल्दी चलो यार यहाँ से भाई, मैं ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा, चलो यार। गाइस राज भाई की हालत ज़्यादा ख़राब है, बस यहाँ से निकलना पड़ेगा, अरे बैठो राज भाई यार, तुम बस पूछो मत ना हाल कैसा है भाई, भाई आज से तभी थोड़ी सी खराब, आज के बाद नहीं करूंगा, रात को उनको फीवर भी चढ़ गया था भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तेरे साथ, हम कह रहे थे तुम रात भर राज भाई को बीच में सुलाए, ये कहा कि डरो मत हम हैं, लेकिन गाइस फिलहाल हम ना नाश्ता बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, अपना टेंट को उखाड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं, बस गाइस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इतना जान का रिस्क लेते हैं, जान का, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए, मिलते हैं एक और नए एडवेंचर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।